जॉनी लीवर इस देश के सबसे बेस्ट कॉमेडियन में से एक है और उनकी प्रसिद्धि का बढ़ना अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं। जहां हाल ही में जॉनी लीवर ने ई टाइम्स के साथ इंटरव्यू में दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपने करियर प्रसिद्धि की अपनी यात्रा और उन्होंने कैसे संभाला ये सारी बातें कही। उन्होंने आज की फिल्मों में कॉमेडी की कमी और 90 के दशक में फिल्मी सितारों की असुरक्षा के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में भी बात की। ये पूछे जाने पर कि वो अब पहले की तरह फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्होंने हिंदी में कहा, मैं ठुकरा देता हूँ क्योंकि आजकल लेखक खराब हैं। आप बाजीगर की बात करते हैं, उस फिल्म का कोई राइटर नहीं था, सिर्फ मैं था। मैं सभी पंचों के साथ आया था, अच्छे दिन थे, हम सब मेहनत करते थे, लेकिन इन दिनों हमारे पास हास्य लेखक नहीं है। ये ऐसे ही जॉनी भाई संभाल लेंगे, इस तरह काम नहीं करता, हमें पहले एक खाका चाहिए, उन्होंने आगे कहा। पहले कॉमेडी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, आजकल फिल्मों में कॉमेडी कमी होती है। पुराने दिनों में मुझे बहुत ही पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था, मेरे कॉमेडी को लोग पसंद किया करते थे। कभी कभी तो फिल्म में हीरो को भी अपने आप में ही बहुत ही खतरा महसूस होता था, इसीलिए फिल्म के हीरो ने अपने लिए भी कॉमेडी वाली ही स्क्रिप्ट मांगनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी भूमिकाएं बड़ी होती गई और मेरी कॉमेडी को बिल्कुल पीछे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मेरा महत्व बिल्कुल छोटा हो गया था, जो आप अब देख ही सकते हैं, कॉमेडी चली गई है। उन्होंने कहा कि बहुत कम निर्देशक अभी भी अपनी फिल्म में कॉमेडी को महत्व देते हैं, लेकिन अन्यथा उन्होंने कहा इन दिनों नायक और खलनायक सभी मजाकिया हो रहे हैं, उनके जैसा अभिनेताओं से कॉमिक रिलीफ की कोई जरूरत नहीं है। बता दें हाल ही में शेट्टी द्वारा निर्देशित सर्कस में जॉनी लीवर दिखाई दिए हैं। वेल दोस्तों, आप भी कहना चाहेंगे इस खबर पर, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।